नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल जो है ये लॉ के बारे में है। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के 1872 के बारे में, क्या ग्राउंड्स है इसमें डिवोर्स के और कब आप डिवोर्स के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो पे जाते हैं, पर इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं आज हम इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में। तो जब कहते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में, तो हमें जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स से बात करने से पहले हमें देखना होगा कि कैसे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कब आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जो ज्यूरिडिक्शन की बात आती है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ग्राउंड्स में जाने से पहले मेन चीज आपको यहाँ पर देखना होता है वो है 2 साल का सेपरेशन। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 2 साल का सेपरेशन मस्ट होता है, चाहे वो आप कंटेस्टेड डिवोर्स हो या फिर म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में 2 साल का सेपरेशन मस्ट होता है। साथ ही में किस कोर्ट में आप फाइल करेंगे, अगर सेपरेशन हो गया है तो ऑब्वियसली एक दोनों ही पार्टी है, कोई एक पार्टी दूसरी जगह पे चल जाके रहती है, तो जहां आप जाके रह रहे हो वहां से आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप वही कोर्ट में फाइल करेंगे जहाँ पर आपकी शादी हुई है, जहाँ पे आपने एज ए हस्बैंड वाइफ रहे हैं, आपकी शादी कंज्यूमेट हुई है, जहाँ पे आप लास्ट रिजाइड करें एज ए हस्बैंड वाइफ, वही कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आप फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखकर बोलूँ कि अगर आपकी शादी दिल्ली में हुई है, दिल्ली के अगर हम बोल देते हैं जंगपुरा के जगह पे आपने आपकी शादी हुई है और वहीं पे आपने रहने लगे हैं, और उसके बाद आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया है और वाइफ जो है वो जाकर नोएडा में रहने लगती है या हस्बैंड जाकर वो गुड़गांव में जाके रखता है, तो क्या वो नोएडा या गुड़गांव के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उन्हें जो जंगपुरा जो साउथ दिल्ली हो जाता है वहीं के कोर्ट में जाकर फाइल करना होगा, क्योंकि वहीं पे वो लास्ट रिजाइड करे थे या वहीं पे जहां उनकी शादी हुई कंज्यूमेट हुई थी। चलिए अब हम बात के बारे में कि ग्राउंड्स कौन कौन से है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के डिवोर्स के लिए। जो पहला ग्राउंड आता है वो है एडल्ट्री का आता है, नो ब्रेनर, इसमें ज़्यादा बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि खाली हस्बैंड या वाइफ ये ग्राउंड लेके फाइल कर देते हैं कि हाँ दूसरे पार्टी ने एडल्ट्री किया है, तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में वैसा नहीं चलता है। किसके साथ में एडल्ट्री किया है उस पर्सन का नाम भी आपको अपने एप्लीकेशन में ज़रूर ऐड करना पड़ता है। अगर आप उनका नाम ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, कोर्ट को रीजनिंग देना पड़ेगा कि आपने उनका नाम क्यों नहीं डाला है। इस विषय पर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। चलिए हम आते हैं सेकेंड के बारे में, रीजन के बारे में क्यों हमें कैसे डिवोर्स के और कौन से ग्राउंड है। जो सेकेंड रीजन है वो है सीज टू बी क्रिश्चियन। अगर वन ऑफ द पार्टीज अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं और वो क्रिश्चियन नहीं रहते हैं तो जो अदर पार्टी होता है उसको रीजन बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स। तीसरा रीजन होता है अनसाउंड माइंड फॉर अबाउट 2 ईयर्स। अगर वन ऑफ द पार्टीज अनसाउंड माइंड की हो जाती है, दिमाग उनका खराब हो जाता है, 2 साल तक ये चल रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास ये ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स के लिए। दूसरी आती है आ जाता है इनक्योरेबल लेप्रेसी। अगर लेप्रेसी हो गया है, उस लेप्रेसी में भी अगर इनक्योरेबल लेप्रेसी चल रहा है तो वो भी एक ग्राउंड होता है। तीसरा है इसमें वेनरल डिजीज़। अगर वन ऑफ द पार्टीज को वेनरल डिजीज़ हो गया है तो भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स लेने का। बाद में आती है हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज अ लाइफ फॉर 7 ईयर्स। अगर वन ऑफ द पार्टी मिसिंग है और 7 साल तक उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं होता है, तो दूसरी पार्टी जो है उसका पास भी ग्राउंड बन जाता है उनसे डिवोर्स लेने का। दूसरा आता है इसमें विलफुल रिफ्यूज टू कंज्यूमेट द मैरिज। अगर वन ऑफ द पार्टी शादी को कंज्यूमेट ही नहीं करना चाह रही, कंज्यूमेट का मतलब है एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ नहीं रहना चाह रहे हैं, तो एक ग्राउंड बन जाता है इसमें डिवोर्स का। इसी को जोड़ते हुए और एक आता है विलफुली फेल टू कंप्लाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट फॉर 2 ईयर्स। अगर कोर्ट में गया कोई एक पार्टी ये बोलते हुए कि दूसरा पार्टी शादी को कंज्यूमेट नहीं कर रहा है या एज ए हस्बैंड या वाइफ नहीं रहा, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि नहीं आपको तो रहना है, उस ऑर्डर हो जाने के बाद भी अगर वो पार्टी नहीं रह रहा है उनके साथ में एज ए हस्बैंड या वाइफ 2 साल के लिए, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी, तब भी ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के। डेजर्टेड द पिटिशनर। अगर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो भी वो एक ग्राउंड होता है डिवोर्स के लिए। ट्रीटेड विथ क्रुएल्टी, जो लास्ट ग्राउंड है वो ये है कि इसमें अगर कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को बहुत ही क्रुएल्टी से ट्रीट कर रहा है तो भी वो ग्राउंड होता है। अब इसमें ये बोलना चाहूँगी, इसमें वाइफ या औरतों को एक एक्स्ट्रा ग्राउंड दिया गया है डिवोर्स लेने के लिए, और कि अगर
हस्बैंड गिल्टी हो जाता है रेप, सोडोमी या बिस्टिलिटी के लिए, तो भी वो एक ग्राउंड औरत के लिए, सिर्फ औरतों के लिए एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है, वो डिवोर्स ले सकते हैं। बेसिकली क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए सिमिलर ग्राउंड से कोई अलग तरह ग्राउंड्स नहीं दिया, खाली एक एक्स्ट्रा ग्राउंड औरतों के लिए दिया गया है। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो पहले का जो वीडियो बना है बेल और उसके राइट्स, अरेस्ट और उसके राइट्स के बारे में, प्लीज़ उनको देखिएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में होगा, क्रिश्चियन में आप म्यूचुअल डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।